नमस्कार, मैं रविश कुमार। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है। दोनों ही राज्यों में फडणवीस और खट्टर ही मुख्यमंत्री होंगे, नया मुख्यमंत्री नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दोनों के पिछले कार्यकाल से की तारीफ की है और आगे के लिए बधाई दी है। इस चुनाव में जनता ने अपनी तरफ से विपक्ष को भी मजबूत किया है, सत्ता नहीं दी है। विपक्ष के खेमे में अगर देखें तो लड़ाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में और हरियाणा में जननायक जनता पार्टी ने ही लड़ी। बाकी कांग्रेस को लेकर यही कहा जा रहा है कि उसके उम्मीदवार तो लड़ रहे थे मगर पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही थी। महाराष्ट्र के चुनावों की दो तस्वीरों की बात इस चुनाव में करनी चाहिए और वो काफी दिलचस्प हैं, जो प्रचार की आंधी तैयार करने वाले मैनेजरों पर भारी पड़ गई। एक तस्वीर है ये बारिश में भाषण देते हुए शरद पवार की। यह तस्वीर 19 अक्टूबर की है, सतारा लोकसभा क्षेत्र की। 79 साल के पवार भीगते रहे और आधे घंटे तक भाषण देते रहे। सतारा लोकसभा उपचुनाव में पवार उस उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार कर रहे थे जो 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हीं की पार्टी से जीता था। शिवसेना के वंशज माने जाने वाले उदयन राज भोसले अपनी सीट से इस्तीफा देकर बीजेपी से लड़ रहे थे और इस सीट से उदयन राज तीन बार जीत चुके थे मगर बीजेपी के टिकट से हार गए। अब पवार की भीगती हुई इस तस्वीर के सामने बीजेपी की एक और तस्वीर को देखिए, जिसे बीजेपी ने आइकॉनिक पिक्चर बताया था। लगता है कि पूरी प्लानिंग से तस्वीर क्लिक की गई है ताकि शिवाजी की प्रोफाइल के साथ प्रधानमंत्री की प्रोफाइल मैच हो जाए, दोनों एक ही फ्रेम में नजर आने लगे, एक जैसे झलकने लगे। लेकिन इस आइकॉनिक सीट का खास नतीजा नहीं निकला। यह सही है कि ये प्रधानमंत्री वाली तस्वीर जिस सीट की है पनवेल की है और यहां से बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई। अगर इस आइकॉनिक सीट का जादू चलता तो बीजेपी अकेले महाराष्ट्र में सरकार बना रही होती। पवार की तस्वीर जरूर आइकॉनिक बन गई, उनकी सरकार भले ना बनी हो मगर उनकी पार्टी ने अपना किला फिर से मजबूत किया। पवार की यह तस्वीर थके बुझे विपक्ष के नेताओं के बीच किसी किंवदंती की तरह देखी जाएगी, सुनी जाएगी लंबे समय तक। अब शिवसेना की महाराष्ट्र में क्या भूमिका होगी? उद्धव ठाकरे दोपहर में 50-50 फॉर्मूले की बात कर रहे थे। ढाई साल बीजेपी, ढाई साल शिवसेना का मुख्यमंत्री का फॉर्मूला तय हुआ था, ऐसा बता रहे थे। यह फॉर्मूला ना तो सपा बसपा के बीच यूपी में चला और ना ही जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी के बीच चला। शिवसेना को पिछली बार की तरह 63 सीटें तो नहीं आई लेकिन बीजेपी 20 से 22 सीटें कम हो गई। शिवसेना को लगा कि उसे फिर से बड़ा भाई बनने का मौका मिला है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार कैसी होगी बात करने के लिए हो सकता है अमित शाह को मातोश्री आने की जरूरत पड़ जाए, लेकिन सरकार के मुखिया का ऐलान तो दिल्ली में ही हो गया। तब भी जब उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि वे हर बार बीजेपी को एकोमोडेट करने का प्रयास नहीं करेंगे, यानी जगह नहीं देंगे। लोकसभा का चुनाव जब होने जा रहा था उस दरमियान अमित भाई मेरे घर आए थे और हम दोनों ने बैठकर जो फॉर्मूला था वो तय किया था। अब समय आया है वो जो फॉर्मूला तय हुआ था उसके ऊपर अमल करें। तो मैं चाहता हूं कि जैसे मेरे साथ अभी मैंने कहा कि बुजुर्ग नेता सब मेरे साथ बैठे शिवसेना के, वैसे भारतीय जनता पक्ष के नेता भी बैठेंगे और जरूरत पड़े तो अमित भाई भी यहाँ आ जाएंगे और उस वक्त जो तय हुआ था उसकी याद सबको दिलाएंगे। अमित भाई भी अमित भाई है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक दल का वर्चस्व नहीं है, जैसा पहले था वैसा हो गया है। ऐसा लगा था कि देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पार्टी के भीतर और बाहर सबको निपटा दिया है, वैसा नहीं है। शिवसेना, एनसीपी के अलावा कांग्रेस ने भी अच्छा किया है, 31 सीटें तो निर्दलीय और नए दलों को आई हैं। महाराष्ट्र में जनता ने चुनाव लड़ा, जनता अपने मुद्दों के लिए लड़ रही थी लेकिन पार्टियां अपने मुद्दों पर जनता को लड़वाने का प्रयास कर रही थी। मीडिया सत्ताधारी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहा था, प्रचार की आंधी जनता की हवा के सामने फेल हो गई एक तरह से। महाराष्ट्र किसी एक का नहीं लग रहा है मगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आखिर क्यों कहना पड़ा कि 15 अपक्ष यानी निर्दलीय विधायकों ने उनसे संपर्क किया है और वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। एक महाराष्ट्र में अगले 5 साल के लिए मजबूत सरकार हम देंगे। वैसे महाराष्ट्र में ये कई दशकों के बाद हो रहा है कि 5 साल पूरी करके एक सरकार और एक मुख्यमंत्री वापिस चुनकर आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का परिवर्तन महाराष्ट्र के मैंडेट में हमको दिखाई पड़ता है। हम बार्गेन करने वाले लोग नहीं है। बीजेपी, शिवसेना, ये हिंदुत्व के मुद्दे पर एक आई हुई हम पार्टियां हैं। हम बार्गेन नहीं करते। ये जरूर होता है कि दोनों पार्टियों की कुछ अपेक्षा होती है, साथ में मिलकर हम उसको तय करते हैं।
आप लोगों को पहले लगता था लोकसभा में हमारा अलायंस नहीं होगा, फिर आपको लगता था विधानसभा में हमारा अलायंस नहीं होगा, हम सब ठीक करते हैं, आप चिंता मत करें। हिंदुत्व के मुद्दे पर शरद पवार भी कह रहे हैं कि शिवसेना के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। एनसीपी ने अपना प्रदर्शन अच्छा कर लिया है, जिसे माना जा रहा था कि वो समाप्त हो जाएगी इस चुनाव में, पवार बूढ़े हो गए हैं। कांग्रेस के भी साफ होने की बात कही जा रही थी कि वहाँ उनके राष्ट्रीय नेता कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्षेत्र में पार्टियां बिखर गई हैं पार्टी के नेता, मगर उसके उम्मीदवारों ने लगता है कि अपनी लड़ाई अपने सीटों की चिंता की है। लेकिन ऐसा कांग्रेस के अपने प्रदर्शन से तो नहीं हुआ लगता है, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका जरूर मिली है कांग्रेस एनसीपी को। राजनीति के लिहाज से देखें तो जिस धनगर समाज के जरिए पवार को रोकने की कोशिश की गई थी, पवार की पार्टी ने धनगर बहुल क्षेत्र में बीजेपी से ज्यादा सीटें जीती हैं, पंकजा मुंडे 30,000 वोटों से हार गई हैं। बारामती से एनसीपी के अजित पवार महाराष्ट्र में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले नेताओं में से हैं, 1,65,265 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार को हराया है। शरद पवार शुक्रवार को ही सतारा जा रहे हैं वहां धन्यवाद देने के लिए, और सुप्रिया सुले ने बताया है कि दिवाली के बाद वे राज्य के इलाकों में दौरा करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका मनोबल बढ़ाएंगे। चुनाव में हमने ये देखा कि हुकूमत में जाने का मौका मिलता है, मगर हुकूमत में जाने के बाद अपने पैर जमीन पर रखकर समझदारी से बातें करना, समझदारी से अपनी नीति लोगों के सामने रखना, ये लोगों को पसंद आता है। मगर हमने ये देखा कि इस समय अपोजिशन के ऊपर एक तरह का पर्सनल अटैक करके एक गलत एटमॉस्फेयर तैयार करने के लिए कोशिश की, ये लोगों को पसंद नहीं चला। हरियाणा में क्या हुआ? एग्जिट पोल के दावों के हिसाब से तो नहीं हुआ, लेकिन पिछली बार की तुलना में 7 सीटें बीजेपी की कम हो गई। उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा की जीत को अभूतपूर्व बताया है। विपक्ष और विशेषज्ञ मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी के खराब प्रदर्शन का कारण भले बता रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री ने मनोहर लाल खट्टर की खूब तारीफ की, उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाए रखने का ऐलान भी कर दिया। जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 30 से ज़्यादा, और कांग्रेस को 16 सीटों का फायदा हुआ है। इसके बाद भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को अभूतपूर्व सफलता मिली है हरियाणा में प्रधानमंत्री की तरफ से। कांग्रेस की भले सरकार नहीं बन पाई, उसकी जरूरत नहीं, नौबत नहीं आई, शायद कांग्रेस और बेहतर चुनाव लड़ती तो जनता का साथ मिलता। क्या महाराष्ट्र की तरह हरियाणा की जनता भी अपना चुनाव खुद लड़ रही थी? इस चुनाव का संदेश साफ है, जनता विपक्ष है, विपक्ष भले ही नजर ना आए। मनोहर लाल खट्टर नारा दे रहे थे अब की बार 75 पार, 7 सीटें कम हो गई, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हार गए, कई मंत्री हार गए, फिर भी और खुद खट्टर की जीत का अंतर जो है इस बार कम हो गया है। 2014 में करनाल से खट्टर 63,773 वोटों से जीते थे, इस बार 45,188 वोटों से जीते थे। हालांकि विधानसभा में 45,000 की मार्जिन भी बहुत बड़ी होती है। दुष्यंत चौटाला पर आज काफी फोकस रहा, लगा कि बगैर उनके सरकार नहीं बनेगी, मगर अब ऐसा नहीं लगता, फोकस हट गया है। ये तो भविष्य की गर्व में है कि जननायक जनता पार्टी किसके साथ जाएगी। हमारा ये निर्णय है कि हम पहले विधायक दल की बैठक बुलाकर, नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाएंगे, तमाम साथियों से चर्चा कर इस पर निर्णय लेंगे। बीजेपी के साथ जाने में कोई परहेज नहीं होगी दुष्यंत चौटाला को? बीजेपी के साथ जाना है, कांग्रेस के साथ जाना है, विपक्ष में बैठना है, ये निर्णय को अकेला दुष्यंत चौटाला नहीं ले सकता। 11 महीने में जिस जिस साथी ने संगठन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग दिया है, एक एक साथी से चर्चा कर ही इस पे हम निर्णय। थोड़ी सी कसक रह गई सर, नतीजा जो है? नहीं, जो भी आता है मैंडेट जो लोग देते हैं उनका मैं मान सम्मान करता हूँ। जो प्रजातंत्र है, लोगों का जो भी रिजल्ट आता है उसका पूरा मान सम्मान करते हैं। क्या माना जाए कि ये किसके पक्ष में है, आपके पक्ष में है या सरकार के खिलाफ, उसको कैसे देख रहे हैं आप? सरकार के खिलाफ है, जो हरियाणा की भाजपा की सरकार है उसके खिलाफ है ये। इसमें मैंडेट आपके सामने है, उनके सारे तो मंत्री हार गए एक दो को छोड़कर, और जहाँ पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला उनको, दूसरों को टटोल रहे हैं। निर्दलीयों की मदद से सरकार बनाने जा रहे हैं, कैसे देख रहे करें कि जीत हुई है उनको बीजेपी की? निर्दलीय जो जीते हैं तो बीजेपी के खिलाफ जीते हैं। तो क्या मैंडेट जो निर्दलीय
मैंडेट उनको लेके आया। मेरा ये था कि जो भी मैंडेट आया है उसका मान सम्मान करना चाहिए, और जितने दल हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे जेजेपी है, चाहे इनेलो है, चाहे और दूसरे हैं, चाहे इंडिपेंडेंट्स हैं, उन सबको एक होकर एक मजबूत सरकार देनी चाहिए। तो क्या अभी भी सर कोशिश कर रहे हैं कि आप सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग हरियाणा में? सर देखिए, राजनीति में क्या हालात होते हैं उस पर हम नजर रखे हुए हैं। एक अंतिम सवाल, क्या लगता है कि अगर मौका अगर पहले मिला रहता तो नतीजे कुछ और होते? सर बिल्कुल, समय कम मिला, 15 दिन या 20 दिन क्या समय होता है, तो नतीजे दूसरे ही होते। सरकार बनी नहीं, और तस्वीर भी आ रही है कि गोपाल कांडा और रंजीत चौटाला दोनों सरिता दुग्गल जो सिरसा के में सुचित्रा दुग्गल जो सांसद हैं, सुनीता दुग्गल हैं जो सांसद हैं वहाँ सिरसा से, उनके साथ हवाई जहाज में हैं, और गोपाल कांडा ने समर्थन देने की बात भी कह दी है। रंजीत चौटाला भी निर्दलीय हैं, तो बीजेपी के साथ हो रहा है। एक एयर होस्टेस हत्याकांड में गोपाल कांडा काफ़ी विवादास्पद हुए थे, जेल गए थे, इनका बड़ा किला नुमा जैसा अपना एक महल है, तो अब ये समर्थन दे रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों के महत्वपूर्ण समर्थन से कांग्रेस जजपा के मिलकर सरकार बनाने की संभावना समाप्त हो गई है, और जैसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे से झलक भी रहा था, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, तो नियमतः उसे ही मौका मिलेगा मिलाने के लिए, और बहुमत से मात्र 4 या 5 अंक दूर है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई, दोनों राज्य में विजय हुए, आज आवाज ऐसी होगी क्या? दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये अमित शाह स्टाइल है, सीटें कम होती हैं मगर कम होना हार नहीं। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी आए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए और नितिन गडकरी भी आए। बीजेपी के कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे। कर्नाटक चुनाव के बाद भी बीजेपी के बड़े नेता यहां पर आए थे जब उन्हें जीत नहीं मिली थी, लेकिन रात के वक्त यहां से संबोधन किया गया था। भाषण में जीत का जज्बा झलक रहा था। इस बार भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि मोदी 2 में पहले दोनों चुनाव बीजेपी जीतकर आगे बढ़ी है, हरियाणा में 3% अधिक वोट मिले हैं, सीट कम होने के बजाय वोट प्रतिशत अधिक होने पर जोर दिया गया और सबसे बड़ी पार्टी बने हैं कहा। अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस और मनोहर लाल खट्टर दोनों की तारीफ की और कहा कि दोनों राज्यों की जनता ने हमारे मुख्यमंत्रियों के काम पर ठप्पा लगा दिया है, दोनों को बधाई दी और अभिनंदन किया। क्या अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी कहीं भी सहयोगी के दबाव में अपना मुख्यमंत्री नहीं बदलने जा रही है? इसी मौके पर अमित शाह ने दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों का जिक्र कर बता दिया कि दोनों चुनाव बीत गए हैं, आगे की तैयारी कीजिए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उन्होंने भी आज के नतीजों को उनकी सरकारों के प्रति जनता का विश्वास बताया। प्रधानमंत्री ने हरियाणा की जीत को अभूतपूर्व कहा और मनोहर लाल खट्टर और देवेंद्र फडणवीस को आगे के कार्यकाल के लिए बधाई भी दे दी। महाराष्ट्र में और हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र जी का भी पहला अनुभव, मनोहर लाल जी का भी पहला अनुभव। ये दोनों लोग कभी किसी सरकार में मंत्री भी नहीं थे। महाराष्ट्र में हमें गत चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, हरियाणा में हमें गत चुनाव में सिर्फ 2 सीटों का बहुमत मिला था, उसके बावजूद भी सबको साथ लेकर के दोनों मुख्यमंत्रियों ने, उनकी टीम ने 5 वर्ष तक महाराष्ट्र की और हरियाणा की जो सेवा की, ईमानदारी के साथ राज्य के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए अविरत कार्य करते रहे, और उसका परिणाम है कि आज दोबारा जनता ने
उन पर विश्वास जताया है। उनके गत 5 वर्ष के कार्यकाल को मैं जनता ने जो आशीर्वाद दिए हैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में आने वाले 5 वर्ष महाराष्ट्र के और हरियाणा के विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला कार्यकाल रहेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं फिर एक बार देवेंद्र जी और मनोहर जी की टीम को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और देशवासियों को भी इस तोहफे के लिए प्रणाम करता हूं और दिवाली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और दीपावली का पर्व आपके परिवार में भी नया प्रकाश लेकर के आए, नई ऊर्जा लेकर के आए, नया उमंग लेकर के आए और आपका भारत के विकास की यात्रा में समर्थ योगदान जुड़ता चले, ये भी शुभकामना देते हुए मैं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की इस टीम को भी, अमित भाई और नड्डा जी, उस पूरी टीम ने जो चुनाव अभियान को चलाया उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं। तो एक तरह से आप देखिए कि नए चुनाव में मनोज तिवारी पर कैमरा कट हो रहा था। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। यहां से ऐलान कर देने का क्या संदेश जाएगा, मतलब अब शिवसेना को शांत होकर स्वीकार करना पड़ेगा? अब जरूरी नहीं है। आप देखिए कि यही शिवसेना तो सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई सारे सवाल उठाती रहती है। हाँ। और ठीक लोकसभा चुनाव के पहले सवाल उठा रही थी और जिस तरीके के उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमित भाई फिर से आएंगे और हमारे साथ बैठेंगे। हाँ। तो ये अब बीजेपी की मजबूरी भी है कि वो शिवसेना के साथ जाके बैठे और अगर उसको आगे भी साथ में तैयारी रखनी है कि शिवसेना उनके साथ आती रहे, जाती रहे, बनी रहे उनके साथ, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो उस तरीके के मसल्स नहीं दिखाएं, उस तरीके की मांसपेशियों की नुमाइश ना करें जैसे वो अब तक करते रहे। पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कहा कि आना पड़ेगा अमित शाह को, मुख्यमंत्री का भी फैसला नहीं हुआ है, पर यहां तो ऐलान हो गया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अगले। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इतनी गुंजाइश शिवसेना रखेगी कि उनके इस भाषण का सम्मान करते हुए वो अभी उन चीजों को ना उठाए, तुरंत ना उठाए, क्योंकि वैसे भी कहा जा रहा है कि दीपावली के बाद शायद मुख्यमंत्री की बात बनेगी, क्या बनना है, कैसे बनना है। लेकिन ये तो तय है कि बीजेपी पहले बैटिंग करना चाहती है और जो 50-50 का फॉर्मूला है, ये 50-50 का फॉर्मूला, आपको चांस है कि इसमें कुछ बदल सकता है? इतनी अमित शाह के कहने के बाद, प्रधानमंत्री कहने के बाद कि हमने बधाई दे दी अगले 5 साल के लिए मनोहर लाल खट्टर और देवेंद्र फडणवीस, उसके लिए हमको 2014 में चलना पड़ेगा। 2014 में तय था कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने उनके नाम का ऐलान हो चुका था। लेकिन आप देखिए कि शिवसेना अपोजिशन में जाके बैठ गई थी। अब मैं आपको 2014 में लेके चल रहा हूं, एक वो पार्टी जो कि हिंदुत्व के नाम पर एक होती थी, वो पार्टी अपोजिशन में बैठी हुई थी और अपोजिशन मुख्य ट्रेजरी के को क्वेश्चन कर रही थी, देवेंद्र फडणवीस को सवाल उठा रही थी अपोजिशन में बैठ के शिवसेना। और जैसे ही एनसीपी पिक्चर में आई, एनसीपी ने कहा कि नहीं, हम साथ दे सकते हैं देवेंद्र फडणवीस की सरकार का, तो त्यों ही शिवसेना को लगा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमारे कार्यकर्ताओं का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ जाएगा, तो उन्होंने फिर अपनी साइड चेंज कर ली, वो इस तरफ आ गए। और फिर आप देखिए कि धीरे धीरे शिवसेना चौक होती चली गई, शिवसेना को लगा कि, और इसीलिए आप देखिए लोकसभा चुनाव के वक्त में वो ममता बनर्जी को सपोर्ट भी करने के लिए चले जाते हैं। आप देखिए शिवसेना, ममता बनर्जी के मसले उठते हैं, अगर वो कुछ और किस्म के मसले नहीं है, जहां पर धार्मिक मसला नहीं है, उन तमाम मसलों पर वो ममता बनर्जी का भी सपोर्ट करने के लिए चले जाते हैं, वो नीतीश कुमार के साथ भी सिंपैथी रखते हैं और वो कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ भी सिंपैथी रख लेते हैं, जो कि पहले नहीं होता था। वो सामने उनके पास रास्ता क्या बचा है? उनके पास तो कोई रास्ता बचा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर दोनों साथ आए हैं। मुझे लगता है कि रास्ता तो बीजेपी के पास भी नहीं बचा है, बीजेपी के पास भी अब कोई रास्ता नहीं है। या तो क्या वो इन तीनों पार्टियों को एक होने दे, या फिर वो अब उसके पास टूट फूट के लिए भी गुंजाइश नहीं बची है। जो बहुत सारे निर्दलीय हैं या अपक्ष हैं, उम्मीदवार हैं, जीत कर जो आए हैं, वो कितना सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि वहां से भी आप उसने नंबर पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे आपको सरकार बनाने की का नंबर हो। तो ये तो एक बड़ा सवाल है कि क्या शिवसेना
अपना मसल नहीं दिखाएगी, शिवसेना भी दिखाएगी। शिवसेना के पास इससे बड़ी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। और आप देखिए कि शिवसेना अपना जनरेशन चेंज करना चाहती है इन्हीं इसी चुनाव के वक्त में। वो अब आदित्य ठाकरे को कमान देना चाहती है, वो उसकी टीम को आगे लाकर लेके आना चाहती है। तो अगर उनके पास ऐसी बातें बनी रहेंगी, अगर वो अच्छे पोर्टफोलियो नहीं लेते हैं, 50-50 का फॉर्मूला क्या होगा ये हमें कभी बीजेपी नहीं बता रही थी। आप देखिए कि बीजेपी से आप खुलकर पूछेंगे कि आपका फॉर्मूला क्या था, बीजेपी कहती है कि नहीं, हम दोनों दलों के बीच में समझौता हो गया। उस समझौती की शर्तें क्या हैं, या जो इसे कहते हैं फाइनल प्रिंट या ब्लूप्रिंट क्या था, उस ब्लूप्रिंट के बारे में तो आज तक बीजेपी ने हमें कभी नहीं बताया। वो ब्लूप्रिंट हमेशा शिवसेना बताती है कि हमारा 50-50 का फॉर्मूला था, सब चीजें 50-50 होंगी। उन्होंने हिट लिया, जिसे कहते हैं कि शिवसेना ने ये बात मानने को तैयार हो गई, चलिए टिकट आप हमको 50-50 नहीं देंगे, लेकिन अब आपको 50-50 का फॉर्मूला आजमाना पड़ेगा। ये शिवसेना ने आज बिल्कुल साफ कर दिया। शिवसेना के पास विकल्प है, बीजेपी के पास कौन सा विकल्प है रवीश, ये अभी तक नहीं बता रही है। बीजेपी भी अपना विकल्प कहां बता रही है? शिवसेना के पास विकल्प है कि वो एनसीपी के साथ जाए और कांग्रेस उनको बाहर से समर्थन दे दे, ये विकल्प तो खुला हुआ है। एक विकल्प ये हो सकता है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी सपोर्ट देने के लिए चले जाए बीजेपी को, लेकिन जिस तरीके का गुस्सा था, जिस तरीके का माहौल था, जिस तरीके से शरद पवार को नुकसान पहुंचा, व्यक्तिगत नुकसान पहुंचा है बहुत सारी जगहों पे, उनसे मुझे नहीं लगता कि एनसीपी तुरंत इतना जोखिम लेना चाहेगी। और आज शरद पवार ने भी कोशिश की कि वो शिवसेना को समर्थन नहीं देंगे, लेकिन वो शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल वैसी राजनीति करते हैं जिसमें वो जो कह रहे होते हैं वो बिल्कुल नहीं कह रहे होते हैं और वो किंवदंतियों से भरे हुए आदमी है। तो उनके बारे में जितनी स्टोरीज महाराष्ट्र में फैलाई जाती हैं, फैलती हैं, वो अपने आप में दिलचस्प होता है कि शरद पवार अगर ये कह रहे हैं कि शरद शिवसेना के साथ नहीं जा रहे हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि उनकी उनकी कोई बात हो चुकी होगी और उन्होंने पब्लिक स्टैंड इस किस्म का ले लिया है। लेकिन वो धीरे से बदल जाते हैं। आप देखिए, शरद पवार वो व्यक्ति हैं जिनको आपको आईसीसी का एक तस्वीर याद होगी रवीश, जिसमें वो जो प्लेयर जब वर्ल्ड कप ले रहे थे तो उनको किसी ने धक्का दे दिया था, अगर आपको याद हो तस्वीर, तो कोई दूसरा नेता होता शायद झुंझला जाता और बाद में जवाब ना दे पाता। तो उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि आपको किसी प्लेयर ने धक्का दिया जब वो आईसीसी का मैच जीत जब वर्ल्ड कप जीता था भारत की टीम ने और तब वो स्टेज पे थे, तो उन्होंने बड़े सौहार्द तरीके से पूछा, नहीं उनको गलतफहमी हो गई होगी और ये उनकी जीत का जश्न था, मैं तो खड़ा हुआ था। आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की। तो ये नैरेटिव तो उन्होंने अभी भी चेंज कर दिया है, उन्होंने बता दिया है कि एक और बात जो बार बार अब जाकर एनसीपी कहने वाली है कि ये दरअसल आप जो मैं आज सुबह बात कर रहा था कि कंज्यूमर इंडेक्स और वोटर इंडेक्स ये दोनों साथ साथ चलते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब एनसीपी जनता के बीच में जाकर ये कह पाएगी कि अगर उपभोक्ता और जो माली हालत है लोगों की वो और जो वोटर इंडेक्स है वो साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि सरकार ये इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है कि बीजेपी की वोटें वो या बीजेपी की जो सीटें हैं वो कम हुई हैं, क्योंकि विपक्ष को विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा था वो मुद्दों को सुनने वाला कोई आ गया है। तो ये बात अब एनसीपी ज्यादा उठाएगी और एनसीपी ने इस तरीके से एक मैसेज अपने लोगों को भी दे दिया जो दलबदलू किस्म के नेता थे। आप देखिए उदयन राजे भोसले का हारना, आप देखिए उसी सीट पर शिवाजी के एक और वंशज हैं जिनको बीजेपी लेके गई, वो विधानसभा चुनाव जीते हैं, उसी लोकसभा सीट के अंतर्गत एक विधानसभा सीट आती है। उस लोकसभा सीट के अंदर विधानसभा सीटों में जो विधानसभा की सीटें थी उनमें बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। और आप देखिए, लेकिन लोकसभा के लिए जब शरद पवार ने बोला कि मुझे लगता है कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर ये ऐसे किसी आदमी के ऊपर भरोसा कर लिया, तो उनकी एक अपील हो जाती है। जहां जहां उन्होंने अपनी पर्सनल क्रेडिट को दांव पर लगाकर लोगों से अपील की वहां वहां उनको रिजल्ट मिले हैं। और उन्होंने हर जगह इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने मराठवाड़ा में कुछ जगहों पर इस्तेमाल किया, उन्होंने सतारा में कुछ जगहों पर इस्तेमाल किया और पश्चिम महाराष्ट्र में लोगों की वो कह रहे थे, मैं एक बात बता सकता हूँ कि वो ऑफ रिकॉर्ड कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो जितने भी हैं महाराष्ट्र में उनके अंदर जॉबलेस बहुत ज़्यादा हैं, लोग कारखाने बंद हो रहे हैं और सरकार क्यों नहीं इस बात को समझ पा रही है, हमें वहां से गेन होगा और हमें मराठाओं का भी गेन होगा। तो ये दोनों बातें कंबाइन करके एनसीपी बता पाई है। और आप देखिए कि एनसीपी के पास अब एक और चीज होगी कि एनसीपी आगे धीरे धीरे कांग्रेस को खत्म करने के लिए राह पर आगे बढ़ जाएगी, तो अब दो रीजनल पार्टियों का भरपूर उभार होगा,
क्योंकि इन चुनावों में शरद पवार ने अपनी थर्ड जनरेशन भी तैयार कर लिया है, रोहित पवार को भी तैयार कर लिया है। तो आप देखिए कि बीजेपी का जो मुकाबला है वो अब क्षेत्रीय दलों से ज्यादा अच्छा है। मुंबई की सिटी जो की जो 17 सीटें थी जहां पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने टकराए रवीश, वहां पर कांग्रेस धराशायी हो गई, और जहां जहां एनसीपी उनके साथ टकराई वो एनसीपी कुछ जगहों पर मजबूत रही, वो दिखाने की स्थिति में थी कि हाँ हम चुनाव लड़ रहे हैं। एनसीपी जीती है बीजेपी से ज्यादा, हाँ मतलब ये वो टक्कर भी दे पाई। जहां सीधा मुकाबला बीजेपी का कांग्रेस के साथ हो गया वहां पर कांग्रेस शहरों में खत्म हो गई, वो अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। जितनी भी ग्रोथ आई है वो ज्यादातर शहरी इलाकों से नहीं आई है, वो ग्रामीण इलाकों से आई है, और ग्रामीण इलाकों का जो गुस्सा है वो किसी ना किसी के साथ जाने का था, ये मैंडेट इस चुनाव में है। पर क्या जिस तरह से अमित शाह ने और प्रधानमंत्री ने अपना विश्लेषण दिया कि अभूतपूर्व जीत है, दोनों की काम पर मुहर लगा है, पहली बार आए थे, पहली बार 5 साल पूरा किया इन लोगों ने और आगे के लिए इनको बधाई दी है, मुझे लगता है कि ये क्या कहता है, मतलब मुझे लगता है कि इतना क्रेडिट हमें बीजेपी को देना चाहिए कि बीजेपी इसलिए क्रेडिट की हकदार है कि महाराष्ट्र उतना आसान राज्य नहीं है, मतलब चूंकि उत्तर भारत नहीं है तो कई बार हम उसको उसका उस किस्म से विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। देखिए वहां पर भी उसी किस्म के मसले हैं, जिस वहां पर थोड़ी सी पूंजीवादी व्यवस्था है, तो वहां पर आपको बहुत सारे मसले वैसे नहीं दिखाई देंगे जैसे आपको उत्तर भारत में दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी बार मुख्यमंत्री बन जाना एक अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि आप देखिए शरद पवार नहीं बन रह पाते हैं, यशवंत चव्हाण नहीं रह पाते हैं, अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री नहीं रह पाते हैं, विलासराव देशमुख नहीं रह पाते हैं, सुशील कुमार शिंदे नहीं रह पाते। एक पूरी फेहरिस्त है, पिछले 50 साल की फेहरिस्त है कि महाराष्ट्र में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, और उन ज़बरदस्त ग्रुप्स के इंटरेस्ट किया उनके जब भी हितों पर कोई भी कुठाराघात होगा तो वो मिलकर आपको अस्थायी कर देंगे, आपको आपको धक्का दे सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। तो वो हितों का जो टकराव है उन सब के बीच में देवेंद्र फडणवीस अगर बचे रह जाते हैं दोबारा मुख्यमंत्री, तो बड़ी बात है कि आप देखिए कि अगर 50 साल के इतिहास में कोई एक मुख्यमंत्री, और तब जब इंदिरा गांधी भी हुआ करती थी तब वो स्थायी मुख्यमंत्री नहीं दे पाती थी, तो आप समझिए कि नहीं, इस तरह से अगर आप देखें, आप जैसा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी अभी चीजें तय नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री को भी तो अपनी बात की गरिमा रखनी होगी ना। जिस देवेंद्र फडणवीस का उनका बचाव किया, अगर शिवसेना इधर से उधर करेगी तो उनके पास भी कोई हिसाब किताब होगा, कि ऐसा तो नहीं होगा कि दो ही दिन के लिए उनकी तारीफ कर दी और तीसरे दिन किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया। ये तो ना हुआ है ना ऐसा कोई करता है। देखिए मेरा ये मानना है कि फॉर्मूले पे तो बात हुई है, ढाई ढाई साल के मुख्यमंत्री की बात हुई थी जो हम लोग आज बात भी कर रहे थे, तो क्या ऐसा तो है नहीं कि ये फॉर्मूला मैंने और आपने कुछ सुझाया था या हमने इजाद किया हुआ है, ये हमें ब्रीफ किया गया है ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला मुझे लगता है कि जब बंद कमरों में जो बात हुई होगी वही हमें ब्रीफ की गई है और हमारे कंजम्पशन के लिए आई है, तो इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि ऐसी कोई फॉर्मूले पर बात हुई है। 50-50 का क्या मतलब निकाला जाए? 50-50 का मतलब यही है, मेरे लिए 50-50 का मतलब ये है कि 2.5 साल आप रहिए, 2.5 साल हम रहेंगे। 50-50 का मतलब ये है कि आप पूरे महक में बीच में से स्प्लिट कर दीजिए, थोड़े आप रखिए मलाईदार डिपार्टमेंट, थोड़े हम मलाईदार डिपार्टमेंट हम रखेंगे। यही 50-50 का फॉर्मूला हो सकता है, जिसको उद्धव ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से दोहराया है। अब क्या प्रधानमंत्री की बात रखने के लिए पहले बैटिंग का मौका देवेंद्र फडणवीस को मिलेगा? तो मिल सकता है, क्योंकि वो उनके पास नंबर ज्यादा है। उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता रह सकती है महाराष्ट्र में, बिल्कुल उसकी तरफ संकेत है, क्योंकि ऐसा स्थायी नहीं है कि एनसीपी भी बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ ही खड़ी रहेगी, ऐसा भी बिल्कुल स्थायी नहीं कहा जा सकता। वहां पे भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप देखिए बारामती में प्रधानमंत्री, वही प्रधानमंत्री 2019 में चुनाव प्रचार में जाते हैं, जिन्होंने 2014 से लेकर 2019 के बीच में कई बार उनके साथ मुलाकात की, उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री ने स्टेज पे बोला बारामती में जाके कि वो प्रधानमंत्री शरद पवार से अक्सर बातें करते हैं, और शरद पवार के बारे में वो चुनाव प्रचार में नेचुरली करप्ट पार्टी बोला गया, और चुनाव के नतीजे आने के बाद वही प्रधानमंत्री उनको कहते हैं कि एक बहुत अच्छे राजनीतिक योद्धा हैं और इनसे हमको बहुत कुछ सीखना है और इनसे मैं बात करता रहता हूं, इनका मार्गदर्शन लेता रहता हूं। नेचुरली करप्ट पार्टी के नेचुरल लीडर से, हाँ, तो नेचुरली करप्ट पार्टी के लीडर से आप जब इस तरीके की बातें कर सकते हैं चुनाव प्रचार को। देखिए एक और बात है कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार को एक अलग चीज मान लिया है, मतलब वो एक कहीं शून्य में होने वाली चीज है, उसमें जो कुछ कहते हैं या करते हैं वो अंतिम सत्य नहीं है, ये जनता को वो समझाने में आने वाले दिनों में शायद कामयाब हो जाएंगे, वो कहेंगे कि वो सिर्फ हमने चुनाव के वक्त में कहा था, बाकी जो हम कह रहे हैं वो सच है। तो आज की बात भी बदली जा सकती है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो और बातें करते हैं, आज बातें ही करेंगे।
तो हम ब्रेक से लौट आए हैं। हरियाणा में अब बीजेपी ने ऐलान ही कर दिया है तो उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं है 40 और प्लस 5 और सीटों को जुटाने में। सुबह ज़रूर हरियाणा की स्टोरी बड़ी बनती चली जा रही थी कि कांग्रेस वहां पर बेहतर कर रही है, एक नई पार्टी जेजेपी किंग मेकर बनने जा रही है। लेकिन हमारा चुनावी कवरेज का यही अनुभव रहा है ज़्यादातर कि जो सुबह सुबह ज़्यादा बोलता है फिर शाम को उसे चुप रहना पड़ता है। जैसे बिहार में बीजेपी ने शुरू में ही पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए थे, रिजल्ट किसी और के पक्ष में आ गया। एक बार खुद रामविलास पासवान अभी रिजल्ट आ रहा था और कह रहे थे कि सत्ता की चाबी हमारे पास है और ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसी तरह से दुष्यंत चौटाला के साथ हो गया कि वो सीएम बनेंगे या वो डिप्टी सीएम बनेंगे। अब इसमें तो गोपाल कांडा और ये सब हेलीकॉप्टर पर आ गए हैं उनके, तो और अब जरूरत नहीं है। जाटों का नेता कौन होगा अब इसको लेकर कंपटीशन होना बाकी है। अभी दोनों का कंपटीशन होता रहेगा लेकिन सरकार में बीजेपी एक तरह से सेटल करती हुई और मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि देखिए जो एक्शन प्लान होता है, जब गोवा की बात चल रही थी तो गोवा में कांग्रेस इतनी लेट उठी थी सो के, वो पता नहीं उनको सोने की कुछ बड़ी बीमारी है शायद, तो वो जब तक सो के उठी तब तक गोवा में सब कुछ हो चुका था। तो मुझे लगता है कि जब तक ये सोचते दीपेंद्र हुड्डा कि वो जेजेपी को कुछ दे सकते हैं, और सोनिया गांधी उनको फोन कर रही थी भूपेंद्र हुड्डा को और उनको कह रही थी कि आप खुद तय करिए कि आपको क्या करना है, जब तक हुड्डा फैमिली कुछ तय कर पाती तब तक तो बीजेपी के पास 40 आ गए, मतलब 40 आ चुके थे, निर्दलीय मतलब भी आ चुके। मौका तब मिलता जब बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं होती तो एक चांस बनता, मतलब वो कांग्रेस की लाई हुई सीटों से कम आती तो शायद राज्यपाल के पास ये होता कि जो बड़ी पार्टी आप उसे बुलाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी 38 पे भी आ रही है तो बुलाने का तो उसी क्या है, तो दावा तो जुगाड़ तो पहले उसका। रवीश, एक और बात है कि बीजेपी को भी शायद अपने जो फॉर्मूले थे उन पे फिर से हो सकता है विचार करना पड़े, दोनों जगह पे हाँ, कि आप अपनी जो जातिगत समीकरण है उनको भी ठीक वैसे ही मैनेज करने की जरूरत है। आपने ये एक्सपेरिमेंट कुछ जगहों पे करके देख लिया लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो रिपीट कर पाए, क्योंकि उससे कुछ जाति विशेष के लोगों में अगर ऐसा लगता है कि उनका वो एक अलग थलग पड़ रहे हैं तो शायद उसकी काउंटर कुछ तैयारी अब करनी पड़ेगी बीजेपी को, रणनीति बनानी पड़ेगी। जैसे आप देखिए कि महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में मराठा एक होके एनसीपी के साथ चले गए, हरियाणा में जाट होकर एक होकर दो पार्टियों के बीच में स्प्लिट हो गए। और अगर जेजेपी इस तरीके से आक्रामक नहीं होती और हुड्डा फैमिली को थोड़ा और वक्त मिलता तो शायद ये नतीजे और कुछ भी हो सकते थे। और ये शायद चुनावी मैनेजमेंट में चूंकि बीजेपी को का कोई आर पार नहीं है, ये बात माननी पड़ेगी, इसमें से बहुत सारी सीटें तो हमें उनके मैनेजमेंट को देनी पड़ेंगी कि भाई उन्होंने ऐसा मैनेजमेंट बना के रखा था कि जो बॉर्डर लाइन वाले जो लोग होंगे जिनका मन कच्चा होगा उन्होंने बीजेपी को वोट दे के आ गए होंगे, क्योंकि माहौल जो पूरा बन चुका था कि अब की बार 75 पार 73 पार। और देखिए जैसे एग्जिट पोल आए वो तो ऐसे धराशायी हो चुके हैं, मतलब उनको औने मुंह गिरने के लिए भी कहावत उनके लिए छोटी पड़ती है। मतलब अगर आप मीडिया खासकर टेलीविजन की रिपोर्ट देखें तो उससे कोई अंदाजा ही नहीं मिल रहा था कि जनता नीचे के स्तर पर ऐसे सोच रही है। ये मान लिया गया था कि जो टीवी कहेगा जो मुद्दे चलाएंगे वही होगा, लेकिन आप वही हाल महाराष्ट्र में भी हुआ, ऐसा लग रहा था कि पूरी राजनीति एक तरफा जाएगी लेकिन एक तरफा तो नहीं हुई। और एक और जो डर पैदा होना चाहिए बीजेपी के अंदर वो ये कि क्या वो अब इको चैम्बर में तो नहीं अंदर घुसने लगे हैं, क्योंकि आप देखिए कि उनके जो नेता हैं वो व्यक्तिगत जीवन में भी ये मानने लगे हैं जो एम्पलीफाई कर रही है मेन स्ट्रीम मीडिया, जो मुख्य मीडिया कह रही है मुख्यधारा की, वो अपनी व्यक्तिगत जीवन में भी वो मानने लगे। पहले एक कोई डिस्टेंस हुआ करता था कि ये चलिए ये रणनीति का हिस्सा है और ये हमारा सच्चाई है, हमारी सच्चाई है। अब इस सब की जो लकीर थी वो शायद धूमिल नेता अपने व्यक्तिगत जीवन में भी करने लगा। आप महाराष्ट्र चुनाव की बात करूं तो महाराष्ट्र चुनाव में जब आप व्यक्तिगत तौर पर नेताओं से पूछते हैं तो क्या हो रहा है, बोले यार सब तो क्लियर है, बहुत अच्छा चल रहा है, हर कोई कह रहा था कि क्लियर है, क्योंकि ये आप एक तरीके से एक ऐसे चेंबर में चले गए हैं जहां पे आपको मुख्यधारा का मीडिया भी आपको वही बताता है, आपको सोशल मीडिया भी आपका है वो भी आपको वही इनपुट दे रहा है, आपका कार्यकर्ता भी बोलना बंद कर चुका है वो भी नहीं बोलता है। आप देखिए महाराष्ट्र के चुनाव में या हरियाणा के चुनाव में इनकी सबसे बड़ी हार मैनेजमेंट को लेकर जो हुई है कि अपने कार्यकर्ताओं को अच्छे तरीके से जोश के साथ वैसे ही बाहर नहीं निकाल पाए जैसे उन्होंने लोकसभा चुनाव में निकाल पाए। दोबारा बोलना पड़ा अमित शाह को, जब पहली बार भारत माता की जय का जब ठंडा रिस्पॉन्स आया तो उन्होंने कहा हम जीते हैं, जबकि देखिए कि नैरेटिव अपना कैसे बनाते हैं। 2014 से भी कम सीटें आईं,
2019 की सफलता जो 10 सीटें हरियाणा में जीती है बीजेपी ने, उसकी तुलना में भी कम सीटें आई, लेकिन वोट प्रतिशत दिखाकर 3% दिखाकर बिल्कुल, और अगर ये अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व है बिल्कुल, ये मैं कहता हूँ ये अभूतपूर्व मैंने पहली बार सुना कि आप 47 से 40 पे आ जाए तो अभूतपूर्व होता है, मतलब 40 से 47 का अभूतपूर्व तो मैंने सुना था, लेकिन घटने का अभूतपूर्व हमने नहीं सुना था। बिल्कुल, एक अच्छा एडमैन जिसे कहते हैं ना, आप अच्छे विज्ञापन वाले से पूछे तो कि अच्छा विज्ञापन क्या है, वो कहते हैं कि अच्छा विज्ञापन का मतलब ये कि प्रोडक्ट तो वही रहे लेकिन हम कहानी बेच पाए तो कहानी बेच पाए। आके कह दिया कि वही पुराने मुद्दे है ना, 370 की बात कह दी उन्होंने, ट्रिपल तलाक की बात कह दी, अभी भी उनके भाषणों में अर्थव्यवस्था को लेकर वो चिंताएं नहीं है कि अगर इन वजहों से हमें वोट कम आए हैं तो हम उसको देखेंगे और हम कर रहे हैं उसमें भी नतीजे आने लगेंगे। शायद स्ट्रेट उन्होंने अपना बता दिया कि हमारी पॉलिटिक्स थीम एंड थ्योरी पर चलती है और उसी पर हम चलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन रिजल्ट आए हैं इसके बाद जो जमीनी हकीकत है उस पे वो लोग आएंगे, हो सकता है मीडिया में इस तरीके से ना कहें लेकिन अंदर समझेंगे। हाँ, अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस जैसी गलतियां बीजेपी कम करती है, वो शायद दूसरे स्टेक होल्डर से बात करना शुरू भी करे। आप देखिए कि वो अर्थशास्त्र कांग्रेस बिल्कुल ओरिजिनल गलतियां करती है जिनका कोई सोने में वो अच्छी है, ये मैं मानता हूँ लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस ने अच्छा किया, तो इसका मतलब है कि उसके कार्यकर्ता उन सीटों पे इस दौर में भी काम कुछ तो काम कर रहा होगा। नहीं कर रहा था, नहीं तब भी सिर्फ मुझे जनता की वजह से, ये सिर्फ और सिर्फ जनता ने आकर सोते हुए लोगों को कहा कि आप वोट ले लीजिए, हम आपको वोट देना चाहते हैं। आप देखिए कि एक ऐसे व्यक्ति को का चुनाव मैंने व्यक्तिगत तौर पे अभी देखा महाराष्ट्र में, मुंबई में खास करके, जो चुनाव की पूर्व संध्या तक ये तय नहीं कर पा रहा था कि जब टिकट बंटवारा हो रहा था कि वो बीजेपी के साथ जाएगा, बीजेपी उसकी टिकट देने वाली है, वो अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहा था हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तुम तैयार रहो बीजेपी के साथ जाने के लिए, अपने लोगों को, और वो व्यक्ति को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो उसने कांग्रेस को अप्रोच किया, कांग्रेस ने उसका टिकट रिपीट कर दिया और वो कांग्रेस से चुनाव जीत के आ गया। आप बताइए कि इसमें कहां कार्यकर्ता है, इसमें कौन सा पार्टी का स्ट्रक्चर है, ऐसी मुंबई की 17 सीटों पर ऐसी कौन सा पार्टी का स्ट्रक्चर, जहां पर आपको क्या, मैं आपसे पूछता हूं क्या आपको मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम पता है? पुराने वाले का तो पता था लेकिन नए वाले का नहीं। नहीं, उसमें दो चेंज हो गए, मिलिंद देवड़ा चेंज हो चुका है, संजय निरुपम चेंज हो चुका है और अब जो व्यक्ति है वो दरअसल 80 साल के नौजवान है, तो आप उनके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो एकनाथ गायकवाड़ उनका नाम है, तो आप समझिए कि एकनाथ गायकवाड़ 80 साल के हो चुके हैं, वो क्या रेपो ले पाएंगे, क्या आपने उनका नाम सुना? और मुंबई की 36 सीटें हैं, तो जब हरियाणा में भी 22 जिले हैं, 5 साल से जिलाध्यक्ष नहीं है कांग्रेस का, इसका मतलब ऐसे देखा जाए कि जनता कांग्रेस को कह रही है कि, नहीं, कि आप इतना भी रिजेक्टेड मत फील करें, आप काम करें लोगों के बीच में। नहीं, मुझे लगता है वो ये कह रही है कि अपोजिशन कोई भी चलेगा, बस अपोजिशन होना चाहिए, अपोजिशन होना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि अगर एनसीपी को मौका मिल रहा है, बहुजन विकास अघाड़ी को मौका मिल रहा है, आप देखिए कि एक पार्टी जो सुबह हम लोग बात कर रहे थे कि विसिल जिनका सिटी वाली पार्टी, तो सिटी वाली पार्टी जो है वो अपनी अपना उन्होंने सीट अच्छी लेके आए हैं, वो नाला सुपारे की सीट पे जहाँ पे शिवसेना ने प्रदीप शर्मा को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को दिया, वहां से वो लोग जीत के आ गए, उन्होंने एक और सीट जीती, तो वो तो अपने छोटी पार्टियां अपना परफॉर्मेंस वापस लेके आ पाई। इतने बड़े धनतंत्र या जनतंत्र का के बीच में जो माहौल बनाया गया था, प्रोपेगेंडा था, उस सब के बीच में भी जगह बना पाए। तो प्रदीप शर्मा हार गए और बुरी तरीके से आ रहे हैं, 45,000 वोट से आ रहे हैं। लेकिन इसका एक मैसेज ये भी दिख रहा है कि ये जो राजनीति चलाई गई कि एंटी विपक्ष, मीडिया की तरफ से भी जो हमला किया गया कि विपक्ष को ही खत्म कर दो, है ना, तो जनता लग रहा है कि विपक्ष बना रही है अपने तरफ से कि वो स्पेस भी इस डेमोक्रेसी में जो जरूरी है कि जिससे भले ही विपक्षी पार्टी उसकी आवाज ना उठाए लेकिन सत्ताधारी पार्टी को मैसेज मिल जाए कि वो विपक्ष के बारे में सोच सकती है। देखिए, जैसे मैं महाराष्ट्र में इंदापुर का उदाहरण देता हूं, हर्षवर्धन पाटिल बड़े नेता हैं, वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं कांग्रेस के, वो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर थे जिसको मुंबई के एमएलए तय करना था कि कौन चुनाव लड़ेगा कांग्रेस की तरफ से, और वो चुनाव के एक हफ्ते पहले बीजेपी में शामिल हो गए, जीते, उनको वहां पे हरा दिया, जनता ने हरा दिया, वहां पे जनता ने उनको हरा दिया। आप देखिए, बहुत सारे जो पलटू राम थे उनको वहां पे छोटे छोटे लोगों ने हराया। उदयन राजे भोसले को जिस व्यक्ति ने हटाया है वो कोई विरासत वाले व्यक्ति नहीं है, वो किसी शिवाजी के वंशज नहीं है, बिल्कुल, और उनकी उम्र हो चुकी है,
और उसके बावजूद वो हरा पाए, वो हरा पाए। और गुजरात में भी 6 सीटों में कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं, उत्तर प्रदेश में 11 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए, 8 बीजेपी को, 3 सपा को, बसपा को एक भी नहीं, बिहार में 2 पे आरजेडी है, जेडीयू को 1 ही सीट, एमआईएम असदुद्दीन पार्टी का किशनगंज से खाता खुला है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 1 सीट जीती है, और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी 1 सीट, मध्य प्रदेश में अब वो उनकी मेजोरिटी, चुनाव में भी सिर्फ बीजेपी बीजेपी नहीं है, बीजेपी है लेकिन विपक्ष को भी एक तरह से मिलता जा रहा है। तो हाँ, ये बीजेपी से विपक्ष ये सीख सकता है कि इतनी मेहनत करनी चाहिए कि आपके अगर ऐसे नतीजे, अगर आप बताइए कि कांग्रेस के आ रहे होते तो कांग्रेस किसी गुमसुम जगह पे बैठी होती, उसके नेताओं को हमें ढूंढना पड़ता लेकिन इसके बाद भी बीजेपी आकर अभूतपूर्व बता रही है अपने उन नतीजों को। ये चुनाव का एक ही मैसेज है कि कई बार जनता भी अपनी तरफ से बिना मीडिया के, बिना पैसे के चुनाव लड़ लेती है, जब उसके सामने नेता नहीं होता, उम्मीदवार नहीं होता है, तो जिसके नतीजे इस चुनाव में निचली सतह पर और बीच के सतह पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारी तरफ से इतना ही, चलते चलते सुनते प्रियंका गांधी क्या कर रही है। नमस्कार। हरियाणा मैम काफी अच्छा कांग्रेस ने किया, इससे हमें बहुत खुशी है क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे संगठन थोड़ी सी उपलब्धि है। हरियाणा के लिए क्या कहेंगे मैम, बहुत बहुत खुशी है हरियाणा पर भी, महाराष्ट्र पर भी।